नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि भगत करी बास्केट में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकन दबाइए मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आपसे बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, सोया की चाप। तो चलिए देखते हैं सोया की चाप बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और इसे कैसे बनाना है। सोया चाप बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप सोयाबीन्स को रात भर भिगो लेंगे, एक कप सोया बड़ी लेंगे, इसे आधे घंटे के लिए भिगो लेंगे। एक बार सोया बड़ी फूल जाए तो हम इन दोनों का अलग अलग बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। लीजिए दोस्तों, सोयाबीन का पेस्ट तैयार हो चुका है, अब हम सोया बड़ी का भी पेस्ट तैयार कर लेते हैं। लीजिए, सोया बड़ी का भी पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। अब इन सारे चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम आवश्यकता अनुसार मैदा लेंगे और इस पेस्ट में थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए डो तैयार कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि जब हम ये डो तैयार करते हैं तो इसमें हमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी तरह हम सोयाबीन की पेस्ट में थोड़ा थोड़ा मैदा डालते हुए सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। लीजिए दोस्तों, आटा हमारा लग करके तैयार हो चुका है, अब हम इसकी चापे बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक क्लीन सरफेस पे मैदा डस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से, जहां हमें चापों के लिए पूरियां बेलनी है। अब हम डो से एक बड़ी सी लोई निकाल लेंगे और उसे गोल कर लेंगे। अब हम लोई को बेल करके तैयार कर लेते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि लोई को हमें गोल नहीं बेलना है, कोशिश करना है कि इसे स्क्वायर शेप में ही बेलें। लीजिए दोस्तों, लोई को मैंने पूरी तरह से बेल करके तैयार कर लिया है, अब हम इसे लंबा लंबा काट लेंगे। लीजिए दोस्तों, इन सभी को मैंने काट करके तैयार कर लिया है, अब हम इनसे चापे तैयार कर लेते हैं। चापे तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक आइसक्रीम स्टिक ले लेंगे और एक चाप की रिबन ले लेंगे और रिबन को आइसक्रीम स्टिक में तिरछे लपेटते हुए जाएंगे और इसके आखिरी के हिस्से में लगभग एक इंच छोड़ देंगे। रिबन को तोड़ देंगे और इसे चिपका लेंगे। फिर दोबारा से इसके ऊपर एक और लेयर लपेट लेंगे। इन चापों में हमें बहुत ज़्यादा लेयर नहीं रखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो ही लेयर रखने हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा इसे मोटा कर देंगे तो हमारी चापे पकेंगी नहीं। ठीक इसी तरह हम सारे रिबन से चापे तैयार कर लेंगे। लीजिए दोस्तों, सारे चापे बन करके तैयार हो चुकी हैं, अब हमें इसे उबाल देना है। उसके लिए चूल्हे पे हम एक बड़े से बर्तन में पानी चढ़ा लेंगे। पानी में एक छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसे ढक लेंगे और पानी में उबाल आने देंगे। लीजिए दोस्तों, पानी में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, अब हम पतीले में एक बार में जितनी चापे आ सकती है उतनी चापे हम पतीले में डाल देंगे और इसे ढक लेंगे। ढकने के बाद इसे तब तक पका लेंगे जब तक हमारी चापे ऊपर पानी के ऊपर तैरने नहीं लगती हैं। लीजिए दोस्तों, सारी चापे पानी के ऊपर तैरने लगी हैं। इसका मतलब है हमारी चापे पक करके तैयार हो चुकी हैं। अब हम चापों को पानी से अलग कर लेंगे और किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ठीक इसी तरह हम बाकी सारे बचे चापों को भी उबाल लेंगे। लीजिए दोस्तों, सोया की चाप बनकर के तैयार हो चुकी है। इसे बनाना बहुत ही इजी है और इससे बनी सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है।
आप भी ये रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको सोया की चाप कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।